हेलो गेमर्स, तो आज सुबह स्कारफॉल 2.2 का नया अपडेट आ चुका है। इस अपडेट में बहुत कुछ नई नई चीजें आई है और मैं उसको आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट। तो गेम के अंदर आते ही हमें पहला चेंज देखने को मिलता है, जो कि है कि एक्सकॉर्ड्स की ब्रांडिंग थोड़ी बड़ी हो चुकी है और उसके साथ में जो लोडिंग स्क्रीन आती है उसके अंदर हमें हैप्पी दिवाली का नया लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे अब ये भी देख सकते हो कि अब हमें मैच मेकिंग को कैंसिल भी करते आ रहा है, जो कि पुराने वर्जन में नहीं हो रहा था। और इस अपडेट की सबसे खास बात यह है कि हमें इस अपडेट के अंदर दो नए इमोट देखने को मिलते हैं, जो कि काफी औसम है। और आपको लॉबी के बैकग्राउंड में थोड़े से पटाखे फटते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अभी दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है। और बात करें गेम प्ले में, तो गेम प्ले के अंदर बहुत सी चीजें चेंज हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे देखो, पहले सेकंड्स चमकती नहीं थी पर अभी इससे चमक रही है। इसकी वजह से हमें होगा क्या कि हमें अगर कोई लूट पड़ी होगी तो हमें वो दूर से दिखाई देगी, क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी येलोइश टाइप में चमकती है। आपने भी अभी अभी एक चेंज नोटिस किया होगा, जो कि हुआ है गेम के लूट वाले वो बार के अंदर। जो हमें जहाँ पे वो लूट दिखाई देती है ना, वो पहले किसी ऐसी ब्लू ब्लू कलर की थी, पर उसको अभी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। हमें यहाँ पे एक और चेंज देखने को मिलता है, जो कि है ग्रेनेड फेंकने के स्टाइल में। अभी कैरेक्टर जो है वो पहले से कुछ अलग पोस्चर में खड़ा रहता है, जो कि मुझे पहले वाले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई तुम यहाँ पे एक और चेंज देख सकते हो, जो कि हुआ है ग्राफिक्स के अंदर। भाई ये पानी क्या चमक रहा है यार, आपको भी पानी क्या चमकते हुए दिखाई दे रहा होगा। और जो वाटर का जो एनिमेशन है ना, वो पहले से कुछ बदल गया है। हमें एक और बड़ा चेंज देखने को मिलता है, जो कि हुआ है गन साउंड्स और फुटस्टेप्स में। पहले जो था वो डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा हार्ड जाता था कि बंदा अपने ऊपर है या नीचे है, पर इस अपडेट में जो है वो साउंड की क्वालिटी बढ़ा दी गई है। आपने यहाँ पे एक और चेंज नोटिस किया होगा, जब हम बंदे को मारते हैं, जब येलो कलर का जब फवारा उड़ता है वो पहले बहुत ज्यादा था, पर अभी इस अपडेट में इसको भी कम कर दिया गया है। प्लेयर से एक और बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कि कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है, तो इस अपडेट में उसको भी थोड़ा कम करके थोड़ा ब्राइट माहौल बना दिया है। और भाई आप ये देख सकते हो कि भाई पानी के जो एनिमेशन है वो कितना अच्छा हो चुका है। और अगर मैं अगर ब्लूम बंद करूँ तो आप देख सकते हो कि इसका जो शाइन है वो चला जाता है। तो ब्लूम का यही काम है कि वो जो भी चीज़ है उसको मतलब शाइनी बना देता है, जैसे कि हो गया पानी और मेटल भी हुआ तो मेटल को भी चमका देता है। और साउंड, और एक चीज़ मैंने साउंड में नोटिस किया, जो कि जब हम बुलेट्स जब ज़मीन पे मारते हैं और किसी मेटल पे मारते ना, तो मेटल का एक अलग सा आवाज़ आता है और ज़मीन पे अलग आवाज़ आता है। ये मतलब एकदम रियलिस्टिक से फील देता है। अगर मैप में आप किसी भी मेटल को अगर गोली मारोगे तो आपको मेटल की आवाज़ आएगी। मैंने एक और चीज़ नोटिस किया, जो कि है कि हमारी जो मॉली होती है वो पानी के अंदर भी लग रही थी। मैंने पानी के अंदर फेंक के देखी तो वो पानी के अंदर भी लग रही थी, तो ये शायद से ग्लीच है, तो शायद से आगे जाके ये सॉल्व हो सकता है। पर मैं जब पानी के अंदर गया तो वो मॉली मुझे भी डैमेज कर रही थी, मतलब वो टेक्निकली पॉसिबल तो नहीं है। तो अभी मैं आपको अगर रिमोट करके दिखाऊँ तो आप रिमोट देख सकते हो, जिसके अंदर ये फुल झड़ी लगाता है। और ये सेकंड इमोट जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, जिसके अंदर ये रॉकेट उड़ाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।